लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। सोलन के चायल में वन्य प्राणी प्रजनन केंद्र खडियुन के चौकीदार का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय रमेश चंद निवासी बाखोर गांव का रहने वाला है, जो कि चायल के जंगलों में स्थापित केंद्र में अपनी ड्यूटी दे रहा था, जो अचानक गायब हो गया। उसके साथ दूसरी बीट में ड्यूटी दे रहे कर्मचारी को जब वह काफ़ी देर तक नहीं मिला और ना ही मोबाइल पर कोई संपर्क हुआ, तो उसने रमेश चंद की तलाश करनी आरंभ कर दी। एक जगह जंगल में लगी घास में कुछ संकेत प्राप्त हुए, जिसमें घास खाई की ओर मुड़ी हुई थी। शक के आधार पर खाई में जाकर देखा तो वहाँ रमेश चंद निढाल पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना उसने विभाग और उसके परिजनों को दी। पुलिस चौकी चायल में एमओ सीएच चायल ने सूचना दी कि एक व्यक्ति जो वन विभाग में कार्यरत है चायल में, गिरने के कारण जिसे अस्पताल लाया गया था और जिसे अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है, और जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए आरएच सोलन लाया। मृतक रमेश कुमार का आरएच सोलन में पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके पुत्र वीरेंद्र और सुमित को बॉडी हैंडओवर कर दी है। लड़कों ने बताया कि इसके साथ एक और भी इसका साथी था, उसका भी बयान कलमबंद किया गया, जिसका नाम चैन सिंह है। वो भी उसके साथ ड्यूटी पर तैनात था। जब रात को पेट्रोलिंग कर रहा था ये, तो कहीं अचानक गिर गया। तो जब इसको ये पता लगा कि भाई इसकी खाई में इसको मिला ये, और इसने इसके लड़के को इन्फॉर्म किया जो इसे सीएच चायल लाए थे, वहाँ से इसको यहाँ लाया गया। नेशनल बस के लिए बलविंदर आर्या की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।